झारखंड बोर्ड में पढ़ रहे सारे बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। आप जानते हैं झारखंड बोर्ड अब तक मॉडल पेपर जारी नहीं किया है। अब एग्जाम में सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं और इतने कम समय में बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई किस तरह से करें। आप जानते हो झारखंड बोर्ड का ये हिस्ट्री है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है उसको बार बार रिपीट करता है। तो हमारे पास अभी एक ऑप्शन ये है कि जो भी 2022 में मॉडल पेपर आया था यानी 2021-22 के लिए जो मॉडल पेपर आया था टर्म 1 टर्म 2 करके, हम लोग उसको 1 by 1 सॉल्व करें जब तक कि न्यू मॉडल पेपर नहीं आ जाता है। तो आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो 2021-22 का पेपर था। सो मॉडल पेपर नंबर 1 टर्म 1 के लिए। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज मे इंक्रीज और डिक्रीज रिमेन द सेम। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ हिंदी में भी। यदि किसी धन आवेश यानी कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप इस बिंदु से या इस पॉइंट से दूर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर कुछ एक पोटेंशियल होगा, ये मान लो पॉइंट 1 है, इसमें कुछ पोटेंशियल होगा, आप इससे दूर चले जाओ, मान लीजिए P2 पॉइंट पे पहुंच जाते हो, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। पूछा गया है जब आप दूर जाते हो तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ सकता है इंक्रीज होता है, पोटेंशियल घट जाता है या डिक्रीज होता है, या तो पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड नंबर ऑप्शन, बढ़ सकता है या घट सकता है, या पोटेंशियल वही रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो आइए समझते हैं, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या पोटेंशियल निकालने का, V=KQ/R। R मतलब क्या है, R मतलब डिस्टेंस है, पॉजिटिव चार्ज या दूरी है। अब हम जानते हैं कि K कांस्टेंट है, Q मतलब क्या होगा चार्ज का आवेश, मतलब चार्ज का वैल्यू या फिर आवेश का वैल्यू। और हम बोल सकते हैं जो V है वो R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, अगर आप R का वैल्यू को बढ़ा दोगे तो V का वैल्यू कम हो जाएगा, या R का वैल्यू को कम कर दोगे तो V का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसमें पूछा गया है जब आप पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट से आप दूर जाते हो यानी R का वैल्यू बढ़ जाता है तो V यानी पोटेंशियल पे क्या चेंज आएगा। तो आप देख रहे हो R बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 या B डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप पॉइंट से दूर जाते जाओगे पोटेंशियल का वैल्यू है उतना कम होते जाएगा। इसके अलावा पोटेंशियल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है KQ/R होता है, यहाँ पे K का वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ सवाल अगर मैं जो समझाता हूँ अगर आपको समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं ट्राई करूँगा कि अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। बट टू चार्ज स्फीयर, यहाँ पे चार्ज स्फीयर होना चाहिए, चार्ज स्फीयर लिखा हुआ था, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, एग्जर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर, इफ चार्जेस आर डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द फोर्स इज। क्वेश्चन को समझते हैं, मैं पहले बोर्ड को मिटा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया कि दो चार्ज है, मान लो ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ये चार्ज मान लीजिए Q1 है और ये चार्ज मान लो Q2 है, यानी दो आवेश है, Q1 एक आवेश है और दूसरा Q2 एक आवेश है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d है। और हम लोग जानते हैं कोई भी दो चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में है फिजिक्स का। आगे तो ये फोर्स लग रहा हो, फोर्स का वैल्यू कितना, फोर्स का वैल्यू है मतलब Q1 Q2 चार्ज जो डी डिस्टेंस से एक दूसरे से दूरी पर है उस पर फोर्स लग रहा है। इफ चार्जेस आर डबल यानी आपको चार्ज को डबल कर दिया, मतलब जो Q1 था वो बन गया आपका 2Q1, चार्ज डबल हो गया, जो Q2 चार्ज है इसको भी डबल कर दिया गया यानी बन गया 2Q2। अब पूछा गया फोर्स कितना हो, जो नया फोर्स हो मान लीजिए उसको कुछ नाम दे देते, जो पुराना फोर्स मान लो एफ है, जो नया फोर्स मान लो एफ प्राइम या फिर एफ डैश बोल दो, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि जो एफ डैश होगा वो कितना होगा। इस तरह के सवाल के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पुराना डेटा है, पहला डेटा, ये डेटा नंबर 1 और ये डेटा नंबर 2 है। अच्छा, इसमें डिस्टेंस के बारे में कुछ लिखा होगा, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, मतलब ये चार्ज है और ज्यादा दूरी पर रखा गया है, ये चार्ज को भी जो
2Q1 चार्ज, 2Q2 चार्ज है और 2Q1 चार्ज है, इसके बीच में डिस्टेंस बड़ा कर दिया। पहले डिस्टेंस कितना था, डी डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस बढ़ करके कितना हो गया, 2D डिस्टेंस हो गया। तो चलिए इस केस में फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स यानी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई R या फिर डी, दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो वहाँ पर डी लिखा होगा तो डी स्क्वायर। लेट मी रिपीट, दो चार्ज था Q1 और Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी था, तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स एफ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम या दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों के जो डिस्टेंस है डी था तो मैंने डी का स्क्वायर लिख दिया। अब मैं फिर ऐसे ही सेम टू सेम इस फोर्स के बारे में निकालूंगा, यानी एफ डैश या एफ प्राइम के बारे में निकालूंगा, इसका वैल्यू क्या होगा, के। तो सबसे पहले मैं के लिख लूंगा, Q1 मतलब अब Q1 कितना बन चुका है, देखो 2Q1 बन चुका है, तो Q1 के बदले में आप लिखोगे 2Q1 मल्टीप्लाई Q2 यानी 2Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो तो 2D है, मतलब 2D का स्क्वायर होगा। अब इसको आगे सॉल्व करो, एफ डैश इक्वल टू ये 2 × 2 बन जाएगा 4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2D का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, D का स्क्वायर D स्क्वायर ही होगा। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, K Q1 Q2 by D स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, जो पहला फोर्स था, जो पहले फोर्स लग रहा था जब दोनों के बीच में D डिस्टेंस था, K Q1 Q2 by D स्क्वायर, अभी फोर्स कितना लग रहा, अभी भी फोर्स के Q1 Q2 by D स्क्वायर लग रहा, यानी फोर्स पे कोई चेंज नहीं हो रहा, पहले जितना फोर्स था अभी भी उतना ही फोर्स लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, पहले F फोर्स लग रहा था तो अब भी कितना फोर्स लगेगा, अब भी F फोर्स ही लगेगा। ऑप्शन नंबर 3, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन कौन क्या होता है, यानी आपको चार ऑप्शन दिया, E = -dV/dx, E = dV/dx, V = dE/dx और V = dE/dV। तो हम लोग जानते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, E और V के बीच में रिलेशन होता है E = -dV/dx। dx क्या है, x क्या है, x मतलब डिस्टेंस है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, V मतलब पोटेंशियल, या मैं यहाँ लिख देता हूँ x मतलब क्या है, x मतलब डिस्टेंस। इसके अलावा आपको और जो याद रखना चाहिए वो है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर। और आप लोग जानते हैं पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ये एफ फॉर फोर्स नहीं, एफ फॉर फील्ड है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल होता है वोल्ट, VOLT वोल्ट। तो साथ के साथ में जैसे हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन था E और V के बीच में रिलेशनशिप था, तो लोग E और V के बारे में बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ होगा मैं वो आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेना है, पेन लेना है, साथ में हमेशा जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उस चीज़ को हमेशा उसी टाइम पर नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल या मैग्नेट। तो आपको गिवन है एक पॉजिटिव, एक ग्लास रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरह से ग्लास रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, मान ली ऑब्जेक्ट, आपसे पूछा गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, कुछ नहीं होगा। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चीज़ें क्या करती है, वो नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करती है ना, लेकिन एक पॉजिटिव चीज एक दूसरे न्यूट्रल चीजों को भी अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ में, कैसे समझते, मान लो ये पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है और इसके सामने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेके आए, न्यूट्रल यानी इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के पास प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है, यानी प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल कहने का मतलब ये दोनों को मिला करके जीरो है, लेकिन
अगर आप सिर्फ प्रोटॉन को देखोगे इसके वजह से कुछ तो चार्ज होगा, और आप सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को देखोगे इसके वजह से भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में खींच लेगी, या जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो इस तरफ में आ जाएगा इसके अट्रैक्शन की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को क्या करते हैं, रिपल करती है, तो प्रोटॉन आपका या पॉजिटिव चार्ज इस ऑब्जेक्ट का पीछे चला जाएगा। और देखो ये जो डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज और इस ऑब्जेक्ट का वो थोड़ा कम है, और इस ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चार्ज के साथ डिस्टेंस क्या थोड़ा ज़्यादा है, यानी डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज इसका मतलब पास आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, और नेगेटिव चार्ज सामने होने की वजह से फोर्स भी ज़्यादा होगा, और इस पर फोर्स क्या होगा थोड़ा कम होगा। अब ये फोर्स ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और फोर्स कम होने की मतलब कम होने की वजह से रिपल्सन कम होगा, तो फाइनली ये ऑब्जेक्ट क्या होगा इसके साथ भी आकर के चिपक जाएगा या उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट कर सकता है, एक नेगेटिव चार्ज को या फिर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइदर नेगेटिव आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है, इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। हम लोग जानते हैं अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो उस डाइलेक्ट्रिक से उस कैपेसिटेंस पे क्या असर होता है, डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अपन कैपेसिटर देखियो इस तरह से दो प्लेट होता है, ये मान लो पहला प्लेट और ये मान लो दूसरा प्लेट, ये दोनों क्या होता है कंडक्टिंग प्लेट्स होता है, इसके पास चार्ज मान लो प्लस क्यू है, इसके पास मान लो चार्ज माइनस क्यू है। जैसे आप इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखते हो जो इंसुलेटर होता है यानी इससे करंट फ्लो नहीं कर सकती है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये नॉर्मल वाटर हो सकता है, डिस्टिल वाटर जिसका बोलते हो, या फिर कोई लकड़ी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेस। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज, ओम्स लॉ कब वैलिड होगा जब टेम्परेचर जब कंडक्टर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ इक्वल टू बी इक्वल क्या होता है बी इक्वल टू आई आर, ये वाला वैल्यू ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर चेंज ना होना चाहिए, तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल कौन सा। हम लोग जानते हैं ओहमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम लोग ओहमिक कहते हैं, और वैसा ऑब्जेक्ट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे नॉन ओहमिक कहते हैं। अगर ओम्स लॉ को फॉलो करें इस फॉर्मूला को माने हम लोग ओहमिक कहते हैं, अगर इस फॉर्मूला को ना माने अगर इसको फॉलो ना करें हम लोग इसे कहते हैं नॉन ओहमिक, नॉन ओहमिक। तो नॉन ओहमिक में कौन आता है, नॉन ओहमिक में आता है सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल क्या जर्मेनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है। एग्जांपल में यहाँ पे डायोड दिया हुआ, डायोड्स भी क्या होता है एक तरह का सेमीकंडक्टर ही होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कंसिक्वेंसेस ऑफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किरचॉफ्स लॉज है, आइए फिर किरचॉफ्स लॉ को समझ लेते हैं। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो लॉ दिया था, पहला जो नियम था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं, इस नियम के अकॉर्डिंग इस लॉ के अकॉर्डिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट अ पॉइंट या जंक्शन इज जीरो। यानी अगर बहुत सारे करंट्स किसी एक पॉइंट से निकल रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो उस वो सारे करंट्स का सम का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। यानी जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है इससे कुछ एक करंट जा रहा है I1 बाहर निकल रहा है, एक करंट I2 भी बाहर निकल रहा है, एक करंट है I3 जो अंदर आ रहा है, और करंट है मान लीजिए I4 ये भी इसमें एंटर कर रहा है, ठीक है। तो जो करंट बाहर जाता है हम लोग उस करंट को क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, जो करंट बाहर जा रहा है हम लोग नेगेटिव लेते हैं, जो करंट अंदर आ रहा है हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो कौन कौन सा करंट आपको देखना है जो अंदर आ रहा है, आप देखो I3 देखो इस जंक्शन में इस पॉइंट P पे अंदर आ रहा है, तो I3 को आपको लेना है पॉजिटिव, और कौन सा करंट अंदर आ रहा है ना I4 अंदर आ रहा है, तो ये प्लस I4। बाहर जाने वाला करंट कौन कौन सा है, पहला करंट I1 जो बाहर निकल रहा है तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस I1, और दूसरा करंट जो I2 ये भी बाहर जा रहा है O पॉइंट से लीव कर रहा है तो इसे हम लिखेंगे माइनस I2।
ये सबका सम का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये आपका है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड द क्लोज्ड लूप इन एनी सर्किट इज जीरो। ठीक है, किसी भी सर्किट में जिसमें क्लोज लूप हो, है ना, क्लोज लूप में अगर आप सारे वोल्टेज को जोड़ोगे तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ क्या, फर्स्ट लॉ है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ पॉइंट या जंक्शन इज आल्सो जीरो। ये जंक्शन का बात करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं। और ये किस चीज का बात करते हैं, लूप का बात करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लूप लॉ भी कहते हैं, लूप लॉ। और नाम क्या है, फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है, क्योंकि करंट का बात करता है इसलिए करंट लॉ भी कहते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं। और सिंस ये वोल्टेज की बात करते हैं इसे वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ। तो कभी कभी आपको किरचॉफ्स करंट लॉ लिखा जा सकता है, किरचॉफ्स करंट लॉ मतलब समझ लीजिए फर्स्ट लॉ का बात हो रहा है, कभी कभी लिखा रहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ मतलब सेकंड लॉ का बात हो रहा है, कभी कभी लिखा रहेगा लूप लॉ या कभी कभी जंक्शन लॉ, तो जंक्शन लॉ मैंने फर्स्ट लॉ, लूप लॉ मैंने सेकंड लॉ। अभी से पूछा गया किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, जो फर्स्ट लॉ होता है ये करंट का बात करता है, करंट किससे रिलेटेड होता है, करंट चार्ज से रिलेटेड होता है, तो इसमें किस चीज का बात होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसमें किस चीज की बात होती है, इसमें बात होती है एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट लॉ जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के कंजर्वेशन की बात करती है, और सेकेंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करती है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मैं पहले बोर्ड को रब कर लेता हूँ, अगर आपको नोट करना मैं हट जाता हूँ, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर वन कूलम्ब ऑफ चार्ज इज, पूछा गया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। हम लोग जानते हैं चार्ज और कूलम्ब के बीच में, नंबर ऑफ चार्ज कूलम्ब और चार्ज ऑन इन एच इलेक्ट्रॉन के बीच में संबंध है क्यू इक्वल टू एन ई। इसमें क्यू क्या है, क्यू आपका है टोटल चार्ज। एन क्या है, एन आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी −1.6 × 10⁻¹⁹। अब लोग क्या करते हैं, मुझे पूछा गया इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, तो n का वैल्यू निकाल रहा है, तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये e इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज q बाई e। q मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना दिया था, 1 कूलम्ब। और इस नंबर को आप डिवाइड करोगे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ये कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 6.25 × 10⁻¹⁸। और यह आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए में है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, पूछा गया है एक गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर में एक चार्ज रखा गया, मान लो क्यू चार्ज रखा गया है, पूछा गया अगर हम ये जो रेडियस आर था, इस रेडियस आर को अगर बड़ा बना दोगे, पहले मान छोटा सा स्फेयर आप लिए थे जिसका रेडियस आर था या कुछ भी रेडियस मान लो,
उसके अंदर एक चार्ज बैठा हुआ था, अभी भी चार्ज वही है, आपने क्या किया उसको बड़ा बना दिया है। तो पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई ई का वैल्यू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्यू और एप्सिलॉन नॉट के ऊपर में डिपेंड करता है। सिंस आप पहले जब छोटा सा स्फीयर लिए थे उसके अंदर भी वही चार्ज रखे हो, आपने अभी बस स्फीयर को बड़ा बना दिया है लेकिन चार्ज तो नहीं चेंज किया, मतलब क्यू अभी भी सेम है और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर आप उसका शेप चेंज कर देते हो, गॉसियन सरफेस का छोटा शेप बनाते हो या बड़ा शेप बनाते हो, मान लो पहले से स्फीयर था अब ये स्फीयर से हटा करके आप ऐसे क्यूबॉइड बना देते हो, तो ये सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई असर नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा रिमेन कॉन्स्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए है ऑप्शन नंबर सी रिमेन अनचेंज। इसके अलावा आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रख सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिमेन अनचेंज। ऑप्शन नंबर भी दो बार टाइप हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद करना चाहिए आप लोगों को, दैट इज 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन का पावर माइनस 1 मीटर का पावर माइनस 2। साथ में आपको यूनिट्स भी याद होने चाहिए, साथ में आपको डायमेंशन फॉर्मूला, अगर आप सारा यूनिट सारा डायमेंशन फॉर्मूला सब कॉन्स्टेंट का वैल्यू सब आप और फॉर्मूला अगर आप याद करते हो पूरे चैप्टर्स का पूरे बुक का, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में यूज तो होता है इसका डायरेक्टली, बट जेकपॉट बहुत सारा सवाल पूछता है इससे बहुत ज़्यादा। आप सारा डायमेंशन याद कर लो, सारा फॉर्मूला याद कर लो, यूनिट्स याद कर लो, ऐसा यूनिट्स याद कर लो। तो मैं साथ साथ में जो भी कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं जो कोई भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उस क्वेश्चन उस टॉपिक से जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका मैं कभी कभी डायमेंशन लिख दिया करूँगा, कभी उसका यूनिट, कभी उसका वैल्यू लिख दिया करूँगा। आप लोग कॉपी पेन से उसको बार नोट जरूर किया करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द थिन वायर ऑफ कॉपर इज, पूछा गया स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर ऑफ थिन वायर, मतलब दोनों कॉपर का तार है, एक ये मान लो मोटा तार है और एक कॉपर का एक पतला सा तार है। आपसे पूछा गया है किस केस में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा या फिर इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होता है वो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, यानी वो कॉपर का प्रॉपर्टी है, ना कि मोटा पतला वायर का प्रॉपर्टी है। मोटा पतला वायर होने से रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस वो हमेशा क्या होगा कॉन्स्टेंट रहेगा, वो मोटा पतला या छोटा बड़ा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेम रहेगा ना, द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर ऑफ अ रॉड ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द थिन वायर ऑफ द कॉपर इज सेम। इसके अलावा यूनिट क्या होता है इस स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का, यूनिट होता है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है, मैंने पहले बताया था वोल्ट मीटर, इसका एसआई यूनिट होगा वोल्ट मीटर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वोल्ट मीटर। इसके अलावा एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको याद रखना चाहिए और इसका आंसर होता है वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वोल्ट मीटर, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर। क्वेश्चन नंबर 13, अ वायर पी इज हाफ ऑफ द डायमीटर, वायर पी इज हाफ ऑफ द डायमीटर एंड हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ वायर क्यू ऑफ सिमिलर मटेरियल, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू। देखो अभी रेजिस्टेंस पूछा गया, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा गया, इसके पहले क्वेश्चन में पूछा गया था स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, जो उसके मतलब जो मोटाई या चौड़ाई उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेंथ छोटा बड़ा पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो छोटा बड़ा पे डिपेंड करता है, कितना मोटा है या कितना पतला है, वायर का साइज क्या छोटा है या बड़ा वायर इस पर डिपेंड करेगा, या उसका लेंथ पे डिपेंड करेगा और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। जो पतला वायर होगा जैसे जैसे ये मेरा ये पेन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला पार्ट का एरिया, ये थोड़ा कम है, लेकिन ये जो मार्कर है
इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इस पर डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन पे, साथ के साथ में लेंथ पे डिपेंड करेगा, छोटा वायर लिए हो या बड़ा वायर लिए हो। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। जो पहला वायर है द वायर पी इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ वायर क्यू, जो हम लोग क्यू वायर, वायर क्यू है, वायर क्यू उसका लेंथ मान लो आर है, ये वायर क्यू सोच लो, ये वायर क्यू है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ मान लीजिए एल है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, इसका रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कितना है, रो है। एक और वायर है जिसका नाम है पी, इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द एंड द हाफ ऑफ द लेंथ, तो इसका लेंथ भी छोटा है, अभी लेंथ भी कम है, ऐसा लेंथ भी कम है, सेम बना दिया, ऐसा लेंथ भी सेम है और डायमीटर आधा है, मतलब यहाँ से याद रखा जो वैल्यू है, जो डायमीटर था वो मान लो डी है, तो इसका डायमीटर कितना होगा, आधा होगा। तो अगर डायमीटर आधा होगा इसका मतलब क्या होगा, उसका एरिया रेडियस भी आधा होगा, रेडियस भी तो हाफ हो गया, जो इसका डायमीटर ज़्यादा रेडियस भी ज़्यादा, इसका डायमीटर छोटा रेडियस भी छोटा, मान लो इसका रेडियस आर, तो इसका रेडियस कितना होगा, आर बाई टू होगा। हम लोग निकालते हैं आर क्यू का वैल्यू, रो एल के बदले मैंने एल लिखा है, और एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होगा इसका। एरिया मतलब कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया, मतलब ये जो वायर है पूरे वायर का एरिया नहीं लेते हम लोग, सिर्फ इस पार्ट का एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका वैल्यू कितना होता है, ये तो स्क्वायर जैसा होगा, तो इसका वैल्यू होगा पाई आर स्क्वायर। वैसे हम लोग अब किसका निकालेंगे, एस का निकालते हैं, हम सॉरी वायर पी का निकालते हैं, इस वायर का नाम पी है, जो पी वायर है इसमें रेडियस हाफ हो गया, लेंथ भी हाफ हो गया। अभी निकालिए रो एल, एल का वैल्यू कितना होगा इसमें, एल बाई टू होगा, रो एल बाई टू इंटू पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना होगा, आर बाई इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, आर इंटू ये टू नीचे आ जाएगा और पाई आर स्क्वायर, और ये टू चला जाएगा ऊपर, टू स्क्वायर यानी टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना था, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, अभी कितना रेजिस्टेंस हो गया, टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, यानी इसके कंपेयर में जो पी वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डबल होगा, तो रेशियो क्या होगा, टू इज टू वन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, दो वायर गिवन था, एक वायर क्यू और एक वायर पी, क्यू वायर का लेंथ मैंने मान लिया एल, तो जो पी वायर होगा इसका आधा लेंथ होगा यानी एल बाई टू होगा, इसका एरिया ए था और इसमें डायमीटर दिया हुआ था डी, तो यहाँ पर डायमीटर आधा होगा डी बाई टू, यहाँ पर अगर डायमीटर डी और रेडियस मैंने यहाँ पर आर माना था, रेडियस भी तो आधा होगा, अगर किसी का डायमीटर हाफ करते तो रेडियस भी तो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर रेडियस मैंने आर लिया था, यहाँ पर रेडियस मैंने लिया आर बाई टू। अब मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, रो एल बाई ए, ए का वैल्यू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैंने वैल्यू पुट करते पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट पी के लिए निकाला था मैं रो एल बाई ए, रो के बदले में तो रो होगा, दोनों सेम मटेरियल से बना है तो रो का वैल्यू सेम होगा, एल यानी लेंथ, लेंथ तो यहाँ पर एल था, यहाँ पर कितना हो गया, एल बाई टू हो गया, और पाई के बदले में पाई, नीचे में आर, आर यानी रेडियस, रेडियस कितना हो गया, आर बाई टू हो गया, तो आर बाई टू का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद मेरा रेशियो आया 2:1। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब पूछा गया कौन सा ऐसा मटेरियल है सर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस कम होगा। हम लोग जानते हैं जो कंडक्टर्स होता है उसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और कंडक्टर अगर कंडक्टर हो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस कम होता है। आपको बेसिकली इसमें सेमीकंडक्टर ढूंढना था, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सेमीकंडक्टर है, आप देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एंटर्स पैराबोलिक एंटर्स परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। एक इलेक्ट्रॉन है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरह से, इस तरह से, अब एक इलेक्ट्रॉन इस पर एंटर करता है इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग जानते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये
ऐसा सर्कुलरली मूव करना चालू करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए यानी सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 16, मैं बोर्ड को रब कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एंड ई दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एज द सेम डिस्टेंस देन। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल ऑफ हम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जैसे हम लोग दो अलग अलग चार्ज लेते हैं, दोनों चार्ज सेम होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए। अगर ये चार्ज मान लो प्लस क्यू है तो इस पर चार्ज कितना होना चाहिए, क्यू ही होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, यानी दोनों का चार्ज सेम सेम होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसा अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब इस डाइपोल को आप ज्वाइन करते हो, ये इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। अब इसका बिल्कुल बीचों बीच में ये पॉइंट है, यहाँ से आप एक 90 डिग्री वाला लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये अपना एक्सियल लाइन है, ये अपना इक्वेटोरियल लाइन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ गिवन है एक्सियल लाइन के लिए और इक्वेटोरियल लाइन के लिए। एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है एक्सियल लाइन के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ई ए, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए ई इंटू ई। क्वेश्चन में गिवन कोई फॉर्मूला नहीं, क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ भी वर्ड दे दिया गया रैंडमली। अब द सेम लाइन देन द सेम डिस्टेंस देन, अब पूछा गया ये एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बीच में रिलेशन क्या है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2πr³। ये किसके लिए, एक्सियल लाइन के लिए। ऐसे ही आप निकाल सकते हो इक्वेटोरियल लाइन में, एक्सियल लाइन मतलब इस लाइन पे, इस लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2πr³। वैसे अगर आपको इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकालना है 1/4πε0 πr³, ये होता है फॉर्मूला। यानी जो एक्सियल लाइन पर होगा इक्वेटोरियल के कंपेयर में डबल होगा, ठीक है, एक्सियल पे इक्वेटोरियल के कंपेयर में डबल होगा, यानी ई ए का जो वैल्यू होगा ई ए मतलब एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर डबल होगा किसका, इक्वेटोरियल का, यानी ई ए इक्वल टू 2 × ई। तो ये ऑप्शन नंबर डी में लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल बी, दो वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये एक वायर है इसमें मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, इस ऊपर तरफ में इस वायर में भी आई करंट फ्लो कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, पूछा गया तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा, जब करंट दोनों वायर में सेम सेम डायरेक्शन में फ्लो करे तो करंट या दोनों वायर एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आप समझ सकते हो कैसे, आप इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। देखो अगर वायर ऊपर जा रहा, मैंने करंट ऊपर जा रहा, हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस पॉइंट पर इनवर्ट अंदर तरफ जाते हुए दिखेगा, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिखेगा। वैसे इस वायर पे करंट ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट पे कैसा होगा, ऐसा बाहर तरफ निकलते हुए दिखेगा, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। अब देख सकते हो दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी में इनवर्ड और आउटवर्ड है, यानी अलग अलग है, तो इसके वजह से ये वायर इस वायर को क्या करेगा, अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर होगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 18,
द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज, तो कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड होता है, हम जानते हैं एफ ए आर ए टी फैरेड, बट वन फैरेड जो होता है वो बहुत बड़ा नंबर होता है। हम लोग जनरली आपको क्वेश्चन में मिलेगा पीको फैरेड के फॉर्म पे, तो आपको याद रखना है वन पीको फैरेड इक्वल टू 10^-12 फैरेड। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, अ चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट द वेलोसिटी b is perpendicular to b, then the force acting on charge q is, क्वेश्चन में क्या है, एक चार्ज है q जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में such that the velocity is perpendicular, velocity v perpendicular है किसके, मैग्नेटिक फील्ड का, यानी b और b के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है फोर्स निकालने का, f equal to q into b cross b, यानी f equal to Q, B, sin theta. अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ, तो आप वैल्यू पुट कीजिए F इक्वल टू क्यू बी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना था 1, यानी F इक्वल टू क्यू बी बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था फर्स्ट 20 क्वेश्चन सेट नंबर 1 का, हम लोग बाकी सेट का क्वेश्चन भी अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो मेरे रिमेनिंग 15 क्वेश्चन है, ऐसे करते हैं हम लोग सारा जितना भी सेट्स है सारे सेट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो, और साथ में आपको जो भी फीडबैक होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।